प्याज ब्राउन हो रहे हैं और ये मैं हांडी खरीद के लाया हूँ। अगली बार मैं हांडी मटन बनाऊंगा, चंपारण मटन, हांडी मटन। ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे, अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें डालेंगे मटन, मटन और मटन का हम भूनेंगे। आज हम बना रहे हैं चटपटा मटन, चटपटा लटपटा मटन, मसालेदार सूखा मटन, चटपटा लटपटा मटन। जरूर खाओ। और हम आज बना रहे हैं लटपटा मटन, बिल्कुल मसालों से लटपट रहेगा। पूरी दिखाना पहले। अब हम इसमें 3 चम्मच नमक डालेंगे। मैं पहले नमक इसमें डाल दूँ तो कि इसमें अच्छी तरह घुल वो मटन के अंदर नमक चले जाएगा, वो स्वाद अच्छा आएगा। अब हम इसे 5 मिनट भूनेंगे मटन को। 5 मिनट भूनने के बाद हम डालेंगे टमाटर और ये 5 मिनट हमने भून लिया। अब ये 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 5 मिनट भून लिया हमने, अब ये मैं डाल रहा हूँ इसमें टमाटर। 5 टमाटर काटे मैंने, अब इसे मिक्स करेंगे। और ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये मैंने अदरक लहसुन कूट लिया है, ये अदरक लहसुन कूट लिया है मैंने। और अब इसे हम डालेंगे मटन में जो ढका हुआ है, 5 मिनट के लिए मैंने ढका हुआ है इसे। अब हमें 5 मिनट हो गए इसको टमाटर डालने में। और
खड़े होंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया है खुद ही कूट के, ये डालेंगे। पाँच मिनट और ढक देंगे। अब मैं इसको ढक रहा हूँ 5 मिनट के लिए धीमी आंच में कर रहा हूँ मैं ये सब। शुरू में तेज था जब प्याज ब्राउन कर रहा था, अब मैंने धीमी आंच करी हुई है। और कल सुबह ये ब्रेकफास्ट के लिए आलू बॉइल्ड करें, इसकी कल सुबह सब्जी बनाएंगे या फिर खाएंगे सब्जी। ये आज का डिनर है, चटपटा लटपटा मटन, और ये कल का ब्रेकफास्ट। आलू के परांठे भी बन सकते हैं, आलू की सब्जी रोटी बन सकती है। अब ये हो गए, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ये एक दो तीन चम्मच मिर्च डाली है मैंने, 2 चम्मच धनिया, थोड़ी हल्दी, ये हल्दी। और अब मैं इसमें डालूंगा ये मटन मसाला, ये मटन मसाला है, ये 2 चम्मच मैं डाल रहा हूँ मटन मसाला, 1 चम्मच। और इसमें मैं डालूंगा थोड़ी लाल कश्मीरी मिर्च, लटपटा मटन। अब ये इतनी में डाल रहा हूँ लाल कश्मीरी मिर्च, ये बस। और अब इसको हम हिला देते हैं। गाइस देखिए कलर कैसा हो गया। ठीक है गाइस, सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब ये थोड़ा इसको चलाएंगे। अब हम इसको 5 मिनट ढक देंगे। और ये मैं आप क्या कहते हैं हटा रहा हूँ, देखिए ऐसा हो गया है। आप हम इसमें डालेंगे पानी 1 कप, ये 2 कप, इसको थोड़ा हिलाएंगे। दो कप पानी डाला है, और ये 3 कप। और ये 4 कप, मैंने 4 कप पानी डाल दिया। अब इसको हिलाएंगे,
खाना है इसको। अभी मिला दिया, अब हम इसको ढक देंगे और पकने छोड़ देंगे। पहले थोड़ा 5 मिनट तेज कर देंगे, फिर उसका फ्लेम कम कर देंगे, धीमी आंच में बनाएंगे। अब मैं इसको ढक रहा हूँ। अब इसको हम बनाएंगे 10 मिनट, कि मैंने फ्लेम तेज कर दिया है। ये 5 मिनट थोड़ा तेज फ्लेम में बनाएंगे, चेक करते रहेंगे बीच बीच में, और फिर 5 मिनट धीमी आंच में, 10-15-20 मिनट पकाना है अभी से। पानी उबल रहा है, आज मैं इसमें CTVT लगाऊंगा, मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगा 15-20 मिनट। इसको ढक दूंगा, फ्लेम मैंने तेज करा हुआ है। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और ये मैं बना रहा हूँ, ये 10 मिनट हो गए, और ये मैं हिलाऊंगा इसे। अब इसको मैं धीमी आंच में बनाऊंगा। अब इसका पानी में थोड़ा सुखाऊंगा। गाइस अब मैं हटा रहा हूँ, देखिए हटा दिया मैंने, देखिए ऐसा हो गया। ये देखिए गाइस कलर कैसा हो गया। अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा हुआ है। थोड़ा ये 5 मिनट और पकाएंगे गाइस, ये रेडी हो गया। देखिए गाइस रेडी हो गया, बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट में डाल के। ये गाइस मैंने प्लेट में डाल लिया है, अब ये हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे और बताएंगे कैसा बना है। गाइस हम ये अब टेस्ट करके दिखाएंगे। गाइस बहुत टेस्टी बना हुआ है, और ये देखिए बहुत टेस्टी बना हुआ। गाइस आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइज। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनी हुई है गाइज़।